नमस्कार, मैं हूं बिटू राजपूत और आप देख रहे हैं सेकंड न्यूज़। तो पूरे देश भर में यहां पर लॉकडाउन लगा हुआ है। 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन देश को ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में बांट दिया गया है। तो हम एक ऐसे ज़िले में खड़े हैं, श्री गंगानगर ज़िले में ग्रीन जोन में बांट दिया है। लेकिन आप देख सकते हैं लोगों की आवाजाही, जैसे ये ग्रीन जोन में आया तो लोग कैसे बाहर निकलने लगे। आप देख सकते हैं लोगों की आवाजाही लगातार हो रही है। लेकिन यहाँ पर चप्पे चप्पे पर उन पुलिस वालों को भी ड्यूटी लगा दी गई है, उनकी ड्यूटी लगा दी गई है कि वो उन लोगों को समझाए कि कैसे आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, दूरी बना के रखनी है, साथ के साथ आपने मास्क भी पहन के रखना है। जो मास्क नहीं पहन के रखे हैं उनका चालान भी किया जा रहा है, हेलमेट नहीं पहना है उनका भी चालान किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम आज बात करने के लिए एक ऐसे ही अधिकारी से बात करने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? रामोतार कांस्टेबल। अच्छा सर, ये आप ड्यूटी कर रहे हैं, कब से ड्यूटी है, कितने बजे से कितने बजे तक लेकर? 8 बजे से 4 बजे तक है। अच्छा, शाम को। तो क्या समझाया जा रहा है लोगों को? यही कि भाई मास्क लगा के रखो, सोशल डिस्टेंस अपने बना के रखो। अगर व्हीकल में जाते हो तो जैसे सवारी जो अपने दी हुई है उनके हिसाब से जाओ। अच्छा। उससे फालतू नहीं जाना। जो अगर मास्क नहीं लगा रहे हैं तो उनके तहसीलदार जी भी आके जुर्माना भी कर रहे हैं, रसीद काट रहे हैं, उनकी समझाइश भी कर रहे हैं। अच्छा, एक बाइक पर, जैसे एक बाइक है उस पर कितने लोग बैठ सकते हैं? जिस प्रकार से अब इन्होंने छूट दे दी है तो अपने ग्रीन जोन है, इसमें 2 आदमी जा सकते हैं। ठीक है। वैसे पहले जब था उस टाइम 1 का था, जब छूट नहीं दी थी, अब छूट दे दी। कितने घंटे ड्यूटी है आपकी? ड्यूटी 8 घंटे है। अच्छा, तो आपको डर नहीं लगता? इतनी बड़ी महामारी है, अगर आप संक्रमित हो गए आपको डर नहीं लगता इससे? ड्यूटी तो करनी है, सेवा में आती है, तो अगर हम ही डर जाएंगे तो और हमारी जगह कौन आकर यहाँ ड्यूटी करेगा? फिर पब्लिक का क्या हाल होगा? अगर हम ही डर के घर बैठ गए तो पब्लिक का क्या हाल हो जाएगा? नियमों का पालन कौन कराएगा अगर हम ही डर के घर बैठ गए तो? अपना बचाव रखते हुए हमें समझाइश करनी है, अपना ही समाज है, इसको बचाना है अपन को। तो आप देख सकते हैं कोरोना वॉरियर्स, देखिए किस प्रकार से ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं। खुद की परवाह ना करते हुए, खुद की ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए लोगों को समझा रहे हैं। और ऐसे अगर पुलिस वाले, हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पुलिस वाले भी होते हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम ऐसे ही पुलिस वाले को आपको दिखा रहे हैं। तो सर, जैसे कि घर पर आप जाते हो, जब तो घर पे जाना होता है तो दूरी बनाकर आप वहाँ पर कैसे, क्या करते हो, क्या नियम अपनाते हो? पहले जैसे डॉक्टर साहब की जो एडवाइजरी आई थी उसके हिसाब से सबसे पहले यहाँ से हम घर जाते हैं। घर गेट खुला मिलता है, गेट खुलने के बाद में पानी की टूटी एक बार तो वो चला देते हैं साबुन से हमारे गाढ़े हाथ धोने के बाद, हम दूसरी चीज़ को छूते हैं उस, और सीधे हम नहाने के लिए जाते हैं। पहले कपड़े अपने डिटर्जेंट पाउडर में डाल देते हैं, पाउडर घोल के उसमें कपड़े डाल दिए सारे उतार के, और नहा के दूसरे कपड़े पहन के फिर हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो उससे पहले प्रवेश नहीं करते। तो देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे काम के साथ साथ ये नियमों का भी पालन कर रहे हैं। ऐसे ही अगर पुलिस वाले हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में, हमारी मंडी में हो तो वाकई में ही हम तो बचेंगे, लेकिन ये अपनी परवाह ना करते हुए लोगों को बचा रहे हैं और लोगों को की भी यहाँ पर मदद कर रहे हैं। चलिए, ऐसे पुलिस वालों को हमने यहाँ पर घर बैठे सल्यूट करना है। हमने क्या करना है इनके लिए, इनकी बातें माननी है, नियमों का पालन करना है, ज़रूरत हो तभी निकलना है, बिना मतलब के बाहर नहीं निकलना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे समझाया जा रहा है लोगों को, उन्हें धीरे चलने के लिए बोला जा रहा है, मास्क नहीं लगा रखा है, उन्हें कैसे समझाया जा रहा है? एक मिनट, एक मास्क नहीं पहना है आपने? तो आप देखिए किस प्रकार से मास्क नहीं पहना था और पुलिस वाले ने उन्हें रोका, और कैसे ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बैठकर आराम से बैठे हैं कुछ ऐसे पुलिस वाले, तो बार बार समझा कर उन्हें, अच्छे से प्यार से समझा कर उन्हें भेजा जा रहा है। कोई सख्ती नहीं दिखाई जा रही है, प्यार से ही समझा कर उन्हें समझाया जा रहा है कि आगे से इन बातों का ध्यान रखें। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो इस महामारी से हम बच सकते हैं, भारत को इससे जीत दिला सकते हैं। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, मेरे सहयोगी इकबाल के साथ, मैं बिट्टू राजपूत की खास रिपोर्ट।